अनुपमा सीरियल की कहानी में पारितोष को जब से किंजल छोड़कर अनुपमा के घर में गई है तभी से पारितोष पागलों की तरह हरकत करता दिख रहा है। आप सीरियल में देख ही रहे होंगे कि कैसे पारितोष कपाड़िया हाउस में ड्रामा कर रहा है, लेकिन इन सब की वजह से अनुपमा और अनुज पर बहुत बड़ी मुसीबत आती नजर आने वाली है और उसी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने सीरियल की रिसेंट स्टोरी लाइन में देखा ही होगा कि कैसे पारितोष अपनी फैमिली को यह धमकी दे रहा है कि किंजल अगर उसे माफ नहीं करेगी तो वो खुद को मार लेगा। हालांकि अनुपमा यह जानती है कि पारितोष ऐसा बिल्कुल भी करने वाला नहीं है, लेकिन उसकी इस धमकी की वजह से वनराज बा और बाकी सभी घर वाले काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और अब सीरियल की कहानी में पारितोष कपाड़िया हाउस जाने वाला है, जहां वो चाकू लेकर अनुज पर और खुद को हार्म करने की कोशिश करता नजर आने वाला है, जिस वजह से किंजल को मेंटली प्रॉब्लम होता दिखने वाला है। वहीं अनुपमा और अनुज के रिश्ते पर भी इसका खराब असर पड़ता दिखने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय अनुज की हालत पूरी तरीके से ठीक नहीं है। आपके हिसाब से सीरियल की कहानी में पारितोष के साथ क्या किया जाना चाहिए कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी तरह टीवी सीरियल अनुपमा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।